दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पायस को ठीक करने के तरीके के बारे में, वो भी बिना ऑपरेशन के। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो पायल्स, हिमोराइड और बवासीर की समस्या है, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आप लोगों के मन में ये बात जरूर आती होगी कि ये जो पायल्स का ट्रीटमेंट है क्या बिना सर्जरी के हो सकता है, क्या बिना ऑपरेशन के पायल्स ठीक हो सकता है, बवासीर ठीक हो सकता है। आज हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कौन सी मेडिसिन को कैसे खाना है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जा सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है जिसको अपनाने से आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधी वीडियो पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स क्या होता है। जो हमारे लेटरिन करने का जो रास्ता होता है उसमें कौन धमनियां पाई जाती हैं, कुछ वेंस पाए जाते हैं। अगर ये धमनियां फैल जाती हैं या बाहर आ जाती हैं तो इसको हम पाइल्स कहते हैं, हिमोराइड्स कहते हैं। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पाइल्स हैं हमारे शरीर में बनते क्यों हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब कभी भी आप स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करने में आप काफ़ी ज़्यादा जोर लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ की नसें हैं फैल जाती हैं, उभर जाती हैं, तो जिसके कारण भी पाइल्स हो सकता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लगातार आपको कब्ज बनी रहती है, तो जिसके कारण जो आपकी लैट्रिन है वो सख्त हो जाती है, उसके कारण भी आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। तो आपकी जॉब ही ऐसी है जिसके अंदर आपको काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठना पड़ता है, तो भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। दोस्तों ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप एक ही जगह पर बैठते हैं तो ये भी एक कारण है पाइल्स के होने का। तो अगर आप ज़्यादा देर तक लेटरिन में बैठते हैं, यानी कि जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, कभी कभी आधे घंटे लगते हैं, तो आप अगर ज़्यादा देर तक बैठेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसकी वजह से भी आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ कारण जिसकी वजह से पाइल्स होना संभव हो सकता है। अब जान लेते हैं कि जो पाइल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल पाइल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल होता है इसके अंदर क्या होती है, जो नसें होती हैं वो लैट्रिन के रास्ते के अंदर ही होती है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो नसें होती हैं वो बाहर की तरफ आ जाती है। दोस्तों पाइल्स को समझने के लिए अब हमको समझना पड़ेगा इसके ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये जो पाइल्स है उसको हम चार ग्रेड में डिवाइड करते हैं। जो ग्रेड वन का पाइल्स होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी धमनियां होती हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है कि वो आपको दिखाई तो देंगे, स्टूल पास करते समय आपको महसूस तो होंगे लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आते हैं। और ये जो ग्रेड टू का पाइल्स होता है इसके अंदर आप प्रेशर से जब स्टूल पास करेंगे तो ये धमनियाँ जो होती हैं, ये जो नसें होती हैं, ये जो वेंस होती हैं, ये बाहर की तरफ आ जाएंगी लेकिन ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिक अंदर चल जाती है। और जो ग्रेड थ्री का पाइल्स होता है इसके अंदर प्रेशर लगाने पे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करने पे ये जो पाइल्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है लेकिन ये अपने आप अंदर नहीं जाती, इसको अंदर करने के लिए आपको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता है। और जो ग्रेड फोर का पाइल्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पाइल्स है वो बाहर ही हमेशा रहता है, न तो ये प्रेशर लगाने पर अंदर जाता है ना ही अपने आप अंदर जाता है। तो अब तो आप लोगों को पाइल्स के ग्रेड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों जब भी आप स्टूल पास करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होगी, इस प्रकार की समस्या आपको दिखाई देती है, तो हो सकता है आपको पाइल्स की शिकायत हो रही हो। स्टूल पास करते समय काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो, खुजली होती है, काफ़ी ज़्यादा इचिंग, इरिटेशन होने लगता है, तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स है कि हो सकता है कि आपको पाइल्स की समस्या हो रही है। कभी कभी दोस्तों आपको जब स्टूल पास करेंगे तो आपके जो स्टूल के रास्ते में, आपके लैट्रिन के रास्ते में एक गांठ सी दिखाई देगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी कर जाती है, कभी कभी उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और कभी कभी उसके अंदर से ब्लड भी निकलने लगता है। तो इस प्रकार का सिम्टम्स भी आपको इशारा करता है कि आपको पाइल्स की समस्या हो रही है। अब समझते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट को। दोस्तों ये जो पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि आपके पाइल्स का ग्रेड क्या है, किस ग्रेड का आपको पाइल्स है, इसकी सिवियरिटी क्या है, ये जो पाइल्स है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इन्हीं सब पे आपका ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। दोस्तों पाइल्स के अंदर अक्सर तीन प्रकार के ट्रीटमेंट आपको दिए जाते हैं।
सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कंजर्वेटिव। इसके अंदर आपके डाइट को हम चेंज करते हैं, आपके डाइट के अंदर रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फल लाते हैं, फाइबर युक्त भोजन आपको करने के लिए सलाह दी जाती है, आपको काफी ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टूल होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको जो स्ट्रेन नहीं लगेगा और आपको पाइल्स की समस्या भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर जो दूसरा मेथड है उसको कहते हैं सिट्स बाथ। ये जो सिट्स बाथ होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक बड़ा सा टब है, टब के अंदर आपको गुनगुना पानी ले लेना है, जितना आप सह सकें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें उतना आपको गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर डिटॉल मिला सकते हैं, बेटाडीन लिक्विड मिला सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर जो तीसरा मेथड आता है वो होता है लक्सेटिव। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि फाइबर के चेंज करने के बाद, डाइट में चेंज करने के बाद भी आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं होता, तो अलग से हम लक्सेटिव का प्रयोग करते हैं। ये जो लक्सेटिव होता है ये आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देती है, जिसके कारण वो आसानी से पास हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिकल क्रीम आती है जिसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन नामक मेडिसिन होती है, कुछ ओरल टैबलेट्स होती हैं, इसका भी इस्तेमाल आप पाइल्स को ट्रीट करने में कर सकते हैं। अगर इन सब उपायों, इन सब मेथड के द्वारा भी आपका पाइल्स ठीक नहीं हो रहा है, आपको जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर ओपीडी में बुलाता है। सबसे पहला जो मैंने कंजर्वेटिव मेथड बताया था, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जब आप ओपीडी के अंदर आएंगे तो डॉक्टर्स उसको एग्जामिन करेंगे कि पाइल्स का ग्रेड क्या है, उसके बाद वो उसमें रबड़ बैंड बांधते हैं, आपके पाइल्स में कुछ इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसके कारण वो जो आपका पाइल्स, जो आपकी धमनियां है वो सूख जाती है। कभी कभी इंफ्रारेड फोटो कोआगुलेशन मेथड का भी प्रयोग डॉक्टर करता है। दोस्तों ये जो पाइल्स का ट्रीटमेंट मैंने बताया है कंजर्वेटिव तथा ओपीडी के अंदर, ये आपके जो ग्रेड 1 के पाइल्स होते हैं तथा ग्रेड 2 के पाइल्स होते हैं उनमें ये आसानी से वर्क करते हैं, लेकिन जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पाइल्स होते हैं उनमें सर्जरी ही एकमात्र रास्ता होता है। सर्जरी के अंदर कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कई प्रकार के मेथड होते हैं जिसके द्वारा पाइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके अंदर आता है स्टेपल हेमोरॉइडेक्टोमी, ओपन एंड क्लोज हिमोरॉइडेक्टोमी। सबके अलावा अन्य प्रकार के भी सर्जरी के मेथड होते हैं, जैसे होता है डॉपलर गाइडेड हिमोराइडल आर्टरी लिगेशन। इन सब सर्जरी के मेथड के द्वारा से भी आपका पाइल्स को ट्रीटमेंट किया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो ग्रेड 1 का पाइल्स होता है, ग्रेड 2 का पाइल्स होता है, उसको हम बिना ऑपरेशन के ट्रीट कर सकते हैं, जिसके अंदर कंजर्वेटिव मेथड आता था ओपीडी का मेथड आता है। और ये जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का जो पाइल्स होता है इसमें सर्जरी ही एकमात्र इलाज होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पाइल्स के बारे में, बिना ऑपरेशन के पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में और सर्जरी के बारे में समझने में जरा सा भी फायदेमंद लगता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वीडियो को देखने से फायदा मिल सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।